कोई सा भी डॉग आप उठा के ले आओ, नेक्स्ट डे यू विल फॉल इन लव विद दिस विद देम। मेरा ये डॉग है, ये जर्मन शेफर्ड सिंगल कोट है। मैंने भी सोचा था कि मैं जर्मन शेफर्ड डबल कोट डॉग लूंगा, एकदम जबरदस्त बना रखी। एक होते हैं अग्रेसिव डॉग और एक होते हैं नॉन अग्रेसिव डॉग। तो अपने 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे कि फर्स्ट ओनर हो, सेकेंड ओनर हो, क्या हाल चाल है गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पहाड़ी गाय में। और आज फिर से हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, ताकि मैं डिले आता हूँ ये देखो पंटू के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आपका पेट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। अगर यस आपका इंटरेस्ट है तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं, कुछ फैक्ट वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में और चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्म देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इसको देखो, ये चिड़ियों के पीछे भाग रहा है, पता नहीं किस किस के पीछे भाग रहा है, भगवान ही जाने क्या करना चाह रहा है। आजा बेटे, तो चलो मैं एक बार कैमरे को फिट कर लेता हूँ और चलते चलते बात करते हैं। क्यों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि आपको डॉग कौन सा लेना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, जब हम डॉग लेते हैं तो हर कोई सोचता है कि यार कौन सा डॉग लें। तो चलो आपका इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। ओए, हम आपको अपने 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे कि फर्स्ट ओनर हो, सेकेंड ओनर हो, थर्ड, कौन सा डॉग आपको एक्चुअली लेना चाहिए, ठीक है। चलो बेटे क्या हो गया, चलो। तो ये शेरू है, आपको भगता हुआ दिख रहा होगा। हाँ, तो बात करते हैं बेसिकली कौन सा डॉग लें। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है उन लोगों के साथ जो फर्स्ट ओनर होते हैं, है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं 2.5 साल से इसको पाल रहा हूँ, या जिस किसी भाई के पास ऑलरेडी डॉग होगा तो उनको पता होता अच्छे से कि कौन सा डॉग लेना चाहिए। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम डॉग ले रहे होते हैं उनके साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि भैया कौन सा डॉग है। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने जो भी डॉग हैं उनको ना, यहाँ पे एक मिनट है, कुत्ते होते हैं वो देखो तुम। अच्छी बात यह है कि शेरू का ध्यान नहीं जा रहा है इन डॉग्स पे। और कल भी मैं शाम को लेके गया था तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग थे, तो ये नहीं जा रहा था, भगता हुआ अटैक नहीं कर रहा था। जो मैंने लास्ट के लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस में देखोगे तो मैंने बताया था मैं आप लोगों को कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और यही रिजल्ट है ट्रेन करने के बाद, देख रहे हो। तो डॉग नहीं जा रहा है एकदम से ढाडा ढाडा करके अटैक करने के लिए। और पहले वाली बात होगी तो भाई ये तो अब तक चढ़ चुका होता है इनके ऊपर, यहाँ पे इस वाले गेट पे वापस से वो डॉग आएंगे। हाँ, एक डॉग है, चलो चलो। हाँ, तो कहाँ थे हम, जो फर्स्ट ओनर होते हैं। अच्छा बेटे, जो फर्स्ट ओनर होते हैं, तो देखो मैंने बेसिकली क्या कर रखा है कि आप लोगों के लिए डॉग की दो कैटेगरीज बना रखी है। एक होते हैं अग्रेसिव डॉग और एक होते हैं नॉन अग्रेसिव डॉग, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ओनर हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन अग्रेसिव डॉग के डॉग ही लेने हैं, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे बैठ कर आराम से बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट ओनर हो तो आपको नॉन अग्रेसिव डॉग लेने हैं, क्योंकि अग्रेसिव डॉग में क्या होता है कि उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। अब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको कौन सा डॉग लेना है। पहली चीज़ तो यह कि अगर आपका बहुत बड़ा घर है, जैसे कोई फार्म हाउस का, आपको गार्ड डॉग चाहिए, तो उस केस में आपको अग्रेसिव डॉग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका छोटा सा घर है, मतलब अपार्टमेंट टाइप का है, ऐसे अगर आप रहते हो, तो आप नॉन अग्रेसिव डॉग लोग। जैसे कि सबसे बेस्ट और सदाबहार डॉग है लेब्रा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका थोड़ा और बजट हाई जाता है तो आप गोल्डन रिट्रीवर के साथ जा सकते हैं। उसके बाद पमेलियन आ गया, बीगल आ गया, लड़कियों का फेवरेट होता है बीगल, और पमेलियन भी अच्छा है, पग हो गया, छिज्जू। तो ये सारे जो भी छोटे टाइप के डॉग होते हैं ये इतने अग्रेसिव नहीं होते। अब बात करते हैं अग्रेसिव डॉग की। अग्रेसिव डॉग में क्या है भाई, आपको इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अब जर्मन शेफर्ड जैसे अगर आप ब्रीड लेते हो तो ये अग्रेसिव के साथ साथ इतने एनर्जेटिक होते हैं कि आपको इनको डेली घुमाना ही घुमाना होता है दो टाइम। जैसे मैं हूँ सुबह, देख रहे हो, कम से कम घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं इसको स्कूटी पे लेके, और यहाँ पे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। और अगर रॉटवीलर या अदर कोई डॉग लेते हैं जैसे पिटबुल वगैरह, तो भाई ये लोग ना, ये जो भी डॉग हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। अगर आप फर्स्ट ओनर हो तो आप इनको नहीं कंट्रोल कर पाओगे,
क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है और जितना टाइम, कितना टाइम इनको देना है, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो फर्स्ट ओनर है वो नॉन अग्रेसिव डॉग लें। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि मतलब होता क्या है कि जब हम डॉग, सभी के दिमाग में होता है कि मेरा डॉग बड़ा ख़तरनाक हो, जबरदस्त, जिसको लोग देख के बोलें कि हाँ भाई ये कोई डॉग है। तो ये ख्याल पता कब तक रहता है दिमाग में? जब तक कि आप डॉग नहीं ले लेते हो। जिस दिन आप अगर कोई स्ट्रीट डॉग या इंडिजो होते हैं इंडियन डॉग्स, अगर वो इंडियन डॉग्स भी अगर आज मतलब आपको इंडियन डॉग उठा के अपने घर में ले आते हो ना, नेक्स्ट डे से आपको वही इंडियन डॉग साला पिटबुल, अमेरिकन बुली, ये वो, कोई मर्जी डॉग अर्जेंटीना, कुछ भी ले लो, मतलब उन सब से बेहतर लगने लगेगा। जैसे मेरा ये है, मेरा ये डॉग है, देखो ये रहा मेरा ये डॉग है, ये जर्मन शेफर्ड सिंगल कोट है। मैंने भी सोचा था कि मैं जर्मन शेफर्ड डबल कोट डॉग लूँगा एकदम जबरदस्त, लेकिन ये जब निकला सिंगल कोट तो कोई बात नहीं, अब तो मेरे लिए भाई ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग है और इसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंपली कोई सा भी डॉग आप उठा के ले आओ, नेक्स्ट डे यू विल फॉल इन लव विद दिस, लव विद देम, और उसके बाद से आपको कोई दूसरा डॉग वैसे भी पसंद आने वाला नहीं है। तो जाओ बिंदास, बस अग्रेसिव और नॉन अग्रेसिव का ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो नॉन अग्रेसिव डॉग होते हैं उनको ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। मेरे को इसको ट्रेन करने में इतना टाइम लग गया, ये 2.5 साल का हो गया, अब जाके मतलब मैं इसको खुले में लेके जा सकता हूँ। और अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो होता क्या कि जब जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे वो डॉग्स को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना होता है तो सारा टाइम बच्चों के साथ ही निकल जाता है। अब मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो सारा टाइम मैं इसको देता हूँ, या कोई भी है वो इसको देता है। तो होप कि आप लोगों का मतलब है ना कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसे कोई लिस्ट बना के नहीं दे रहा हूँ आपको कि ये रॉटविलर ले लो, जर्मन शेफर्ड ले लो, है ना, ये चीज़ जो है ये है, ये इसकी स्पेशलिटी है, साइंटिफिक नाम ये है, लाना है फलाना है ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं। हम टू द पॉइंट बात की है कि भैया एक अग्रेसिव होता है, नॉन अग्रेसिव होता है, और अगर आप फर्स्ट ओनर हो तो कोशिश करो कि नॉन अग्रेसिव डॉग लो। अगर आप अग्रेसिव ले भी लेते हो तो आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उसको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो पड़ोस अड़ोस पड़ोस में किसी के बच्चे को ना काटे और कोई आपके ऊपर पुलिस केस ना कर दे, ठीक है। तो यही था भाई आज की वीडियो का छोटा सा सार, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक। अगर आपको डॉग लेना है, बहुत सारे अगर आपको डॉग के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।